हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। सो गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अपनी रिक्वेस्ट और सजेशंस मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ब्यूटी, स्किन केयर और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियोज़। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहती हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ वो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, मेरे स्किन पे सूट होते हैं, इसलिए मैं उन प्रोडक्ट्स का यूज करती हूँ। मैं किसी ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मेरे यूज किए हुए प्रोडक्ट ये अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही वाले प्रोडक्ट यूज करने हैं। आपकी स्किन पे जो भी प्रोडक्ट सूट होते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप मेरा होता है फेस वॉश का, और उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ प्लम ग्रीन टी फेस वॉश, और इसमें थोड़े से छोटे छोटे ग्रैनुअल्स भी होते हैं, सो ये अच्छे से डीप क्लीन करता है हमारी स्किन को, और ये काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है स्किन पे। देन मैं अपने फेस को पैट ड्राई कर लूंगी अच्छे से। फ्रेंड्स, फेस वॉश के बाद मेरा जो सेकंड स्टेप होता है वो है स्क्रब। स्क्रब मैं डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ, मैं वीक में 2 टाइम ही करती हूँ। स्पेशली मैं वेंसडे और संडे के दिन स्क्रब करती हूँ। यह टैन रिमूवल स्क्रब है, ये बायोटिक की तरफ से बायो पपाया टैन रिमूवल स्क्रब। ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये काफ़ी अच्छा है, सभी स्किन टाइप को सूट करता है। इसके अलावा मैं जो स्क्रब यूज़ करती हूँ वो है ये प्लम की तरफ से है, ये प्लम कैमोमाइल एंड वाइट टी ब्राइटन अप फेस स्क्रब है। ये स्क्रब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट अभी रिसेंटली में मैं ये वाला यूज करती हूँ। स्क्रब गाइस डेली बेसिस पे यूज नहीं करना चाहिए, मैं बस 2 ही बार यूज करती हूँ स्क्रब वीक में, और स्क्रब यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि जो भी हमारी स्किन पे पोर्स होते हैं उनमें जो डस्ट होती है उनको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो हमें स्क्रब का यूज़ ज़रूर करना चाहिए ताकि जो भी हमारी डेड स्किन है स्किन पे वो रिमूव हो सके। आपको जेंटली करना है स्क्रब, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो ग्रैनुअल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, आपकी स्किन को वो रफ बना सकते हैं। सो आपको बिल्कुल हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है अपने फेस पे। यहाँ पे मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं स्क्रब करते हुए, अब मैं फेस वॉश कर लूँगी नॉर्मल वाटर से, पैड ड्राई कर लूँगी अपने फेस को अच्छे से। स्क्रबिंग के बाद जो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है टोनिंग का, और टोनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ प्लम ग्रीन टी टोनर है, और ये मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छे से सूट होता है, स्किन को काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है, डीप क्लीन करता है पोर्स को अच्छे से। सो मैं ये यूज़ करती हूँ काफ़ी टाइम से, टोनर हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। चाहो तो आप फेस पैक भी अप्लाई कर सकते हैं स्क्रबिंग के बाद, बिकॉज हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, सो उनको अच्छे से डीप क्लीन करना और उनको मिनिमाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना डस्ट अगर जाती है हमारे पोर्स में सो वो पिंपल्स और ब्लैकहेड्स में की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। बट मैं डेली बेसिस पे फेस पैक यूज़ नहीं करती हूँ, सो मैं अभी फ़िलहाल टोनर यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और डैब डैब करके अच्छे से टोनर जो है अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। टोनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मॉइस्चराइजर का, और मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करती हूँ प्लम ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर। स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाता, मैट फिनिश देता है। इसे मैं अपने पाम पे ले लूँगी, एंड देन मैं इसमें अपने मॉइस्चराइजर के साथ यूज़ करती हूँ, ये है अरोमा का टी ट्री ऑयल है, और इस पर मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। बट ये जो ऑयल है मैं इसे डेली अप्लाई करती हूँ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में और नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में, मैं दोनों ही टाइम पर इस ऑयल को अपने इसमें मॉइस्चराइजर के साथ यूज़ करती हूँ। सो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारी डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए, और जो भी हमारी स्किन पे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है उनको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है।
मैं बिल्कुल वन ड्रॉप जितना ले लेती हूँ अपने पाम पे, आप ये देख सकते हैं इतना। बाद अपने पाम पे ऐसे रब करके और अपने स्किन पे डैबिंग मोशन में अप्लाई कर लेती हूँ मॉइस्चराइजर। और लास्ट स्टेप होता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट है, आप चाहे घर में हुए चाहे आपको बाहर जाना है, लेकिन आपको सनस्क्रीन कभी स्किप नहीं करना चाहिए। सनस्क्रीन हमें प्रोटेक्ट करता है, सन रेज से बचाता है, सन टैन से हमें बचाता है। तो सनस्क्रीन आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट सनस्क्रीन है ये न्यूट्रोजीना का सन ब्लॉक है, ये SPF 50 के साथ आता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 550 रुपीज़ इसका प्राइस है। 550 रुपीज़ में इसमें 88 ml प्रोडक्ट मिलता है, बट ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। सो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट सनस्क्रीन है। मैंने इतना सा लिया है, मैं इसे अपने ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। आपको इसे मॉइस्चराइजर की तरह अप्लाई नहीं करना, आपको इसे एक लेयर में अप्लाई करना है। सो आपको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना अपनी स्किन पे, आपको इस तरह से एक लेयर की तरह से अप्लाई करना है अपनी स्किन पे, बिल्कुल लाइट हैंड से। लिप बाम मैं अप्लाई करती हूँ निविया ओरिजिनल केयर लिप बाम, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज करती है, तो ये मेरी फेवरेट लिप बाम है। सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके अपने रिक्वेस्ट और सजेशन ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।